सुर्खी विधानसभा उपचुनाव के लिए सागर सुर्खी विधानसभा क्रमांक 37 से आज भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने राहतगढ़ तहसील में नामांकन दाखिल किया। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए मात्र 3 लोग ही फार्म जमा करने पहुंचे थे। भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चुनाव अब शुरू हो चुका है, चुनाव शुरू था जब से, लेकिन आज फार्म भरा है तो आज से चुनाव शुरू हो चुका है। जैसी नगर में कमलनाथ ने चुनौती दी थी, उस सवाल पर भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह ने कहा, मैं सारी चुनौतियां स्वीकार करता हूं। सुर्खी क्षेत्र की जनता ऐसी चुनौतियां स्वीकार करने की समझ रखती है। 3 तारीख को मतदान के बाद जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई, प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। चुनाव अब शुरू हो चुका है, क्योंकि शुरू तो था ही, मैंने क्योंकि फार्म भरा है, तो आज से विधिवत चुनाव अब चालू हो चुका है। 10 दिन 3 तारीख को जो है मतदान है, कल कमलनाथ आए थे और चुनौती भी दी गई आपको, सुना होगा, क्या कहना है? मैं सारी चुनौती स्वीकार करता हूँ और सुर्खी क्षेत्र की जनता ऐसी चुनौतियाँ स्वीकार करने की समझ रखती है। और 3 तारीख को मतदान के बाद जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।